लंगर घर की रसोई जिथे रोजाना लखा संगत वास्ते लंगर तैयार होंगे। 90 तो 100 क्वांटल के करीब दाल, 25 तो 30 क्वांटल के करीब हरी सब्जी और 7 तो 8 क्वांटल रोजाना देसी घ्यो लगता है। इस विच एक विच कितना का लंगर तैयार हो जाता वड्डे कड़ाई हैं? ये जी 3 क्वांटल का वा, ये जो 3 पाने 2 भी पैज दी आ, 1.5 भी पैज दी, लोड़ अनुसार जिनी संगत आमदे उस हिसाब नाल पा दी दी। उहदे विच खीर बनदी है जी, उहदे विच 3 क्वांटल खीर पाउंदे, चौल खंड फिर दुध फिर काजू गिरियां करियां सब कुछ। मैनूं 35-36 साल हो गए इत्थे गुरु रामदास लंगर, रणजीत सिंह हलवाई मेरा नाम, ते 24 घंटे चली जांदी रसोई जिथे कि लोहां ते प्रसादे तैयार हो रहे। और इधर पासे देखा जाए तो आटा जड़ा इन्हां नूं पहुँचदा है और पेड़े करन तों बाद जदों प्रसादे वेले जांदे आ ते लोहा ते तैयार करके लंगर हाल तक संगत तक पहुँचाए जाते हैं। जूठे बर्तन संगतों को ले जाते हैं, जूठे बर्तन लैन तो बाद उन्हां बर्तनों में जो जूठ लगा होंदा उस जूठ नूं वड्डे टब दे विच छाणिया जाता, कढ़िया जाता, फिर जिहड़े भांडे सर्फ नाल कढ़े जाते हैं उसनूं चंगी तरह धोता जाता है। आपे कंडा आप तराजी, रब आपे तोल तुलाया, आपे सा आपे वणजारा, आपे वणज कराया। धन धन श्री गुरु रामदास जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिथे लखां की गिणती दे विच श्रद्धालु नतमस्तक होने वास्ते पहुँचते हैं और उन्हां संगतां दे वास्ते लंगर खास तौर पर तैयार किया जाता है। अज थोनूं इस लंगर की तैयार होने की प्रक्रिया जिहड़ी है वह दसांगे अते हरिमंदर साहब च किन्ना लंगर तैयार हुंदा है उस बारे भी जाणू करावांगे। सो इस वेले असी धन धन श्री गुरु रामदास जी दे लंगर घर दे विच मौजूद हाँ जिथे कि रसोई च लंगर तैयार हो रहा। लंगर घर की रसोई जिथे रोजाना लखां संगत वास्ते लंगर तैयार हुंदा है। सो 90 तो 100 क्वांटल के करीब दाल, 25 तो 30 क्वांटल के करीब हरी सब्जी और 7 तो 8 क्वेंटल रोजाना देसी घ्यो लगता है। सो एडे वड्डे वड्डे कड़ाहियां दे विच जो लंगर तैयार हुंदा है, सो जो हलवाई लंबे समय तो लंगर तैयार करते हैं असीं उन्हां नाल वी गल करांगे। सो ये हलवाई सिंह साडे नाल मौजूद ने। बाबा जी जिन्ना लंगर तैयार हुंदा इन्ना ही जिहड़े बर्तनां विच हुंदा ते इस विच एक विच किन्ना कु लंगर तैयार हो जांदा वड्डे कड़ाहियां च? वाहिगुरू जी का खालसा फतेह जी। बेनती है जी उहड़ा कड़ाह वड्डा उस 5 क्वेंटल का उस 4 क्वेंटल आपां पाउंदे आ, ये जी 3 क्वांटल का वा, ये जो 3 पाने 2 भी पैज दी आ, 1.5 भी पैज दी, लोड़ अनुसार जिनी संगत आमदे उस हिसाब नाल पा दी दी। उहदे विच खीर बनदी है जी, उहदे विच 3 क्वांटल खीर पाउंदे, चौल खंड फिर दुध फिर काजू गिरियां करियां सब कुछ। किन्ना समा लगता है एक कड़ाहे विच लंगर तैयार होण नूं? एक टाइम ये जी 3.5-4 घंटे लग जांदे, 3 भी लग जांदे आ, 4 भी लग जांदे, पानी गर्म होवे। 4 क्वांटल बनदा उच्च किन्ना समा? 4 घंटे लग जांदे, चार घंटे लग जाए, ये 3 घंटे लग जाए। लकड़ा नाल तैयार होंदा है गैस ही आ, पर ना पानी घटिया ना, 4 क्वांटल वजन ज्यादा, हम 3 थोड़ी खेती बननी, 1.5 क्वांटल हो खेती बननी, जिनी चीज है उस हिसाब नाल खेती बननी। 24 घंटे तैयार होंदा? 24 घंटे लंगर तैयार होंदा रहिंदा। मैनूं 35-36 साल हो गए इत्थे गुरु रामदास लंगर, रणजीत सिंह हलवाई मेरा नाम, ते 24 घंटे चली जांदे। इक ते तुसीं सेवा करदे हो इत्थे नाले पुन नाले फलियां, एक ड्यूटी भी इत्थे है, उत्तों संगतां वास्ते लंगर तैयार कर दिओ। स्वाद जिहड़ा हुंदा है बाबा जी, एक दसीए कि सारे एक गल जरूर कहिंदे ने कि लंगर दी जिहड़ी दाल है इहदे च वख वख दालां पैंदियां ने पर उह स्वाद इक्को ही रहिंदा है, इह इहदा राज की है? इह गुरु रामदास दे लंगर दी है ना, ते खीर ही किते मिलदी इहदे नाल दी, ना दाल ही ना कढ़ी किते वी चल जाईए ना उह आंदे गुरु रामदास लंगर चीज दी नाल दी किते नहीं बनदी है, ते सतगुरु पातशाह दस सकदे की बनाउंदे की नहीं। हरियां सब्जियां सारियां दुनिया सारियां इत्थे बनदियां वा, पर संगत जायदाकार करदी है बहुत वधिया बनदी किते चलदी है। जदों बनाउंदे हो उदों मन दे विच पाठ चलदा रहिंदा है जां? आ वेख कीर्तन 24 घंटे चली जांदा, नाल कीर्तन सुणदियां, नाल वाहिगुरू वाहिगुरू महाराज दा नाम जपी जाईदी आ, ते नाले बाणी सुणी जाईदी। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਸਿੰਘ ਜੋ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਸੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਤੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
कि इस लंगर नूं तैयार किसने किया, लंगर तैयार किवें होया। सो ये लंगर घर की रसोई हुण तुहानूं दिखाने आ कि प्रसादे कित्थे तैयार हुंदे आ अते लंगर घर दे विच संगता प्रसादा किवें अदब सत्कार नाल छकदियां ने। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सो ये सचखंड श्री हरिमंदर साहब की रसोई जिथे कि लोहां ते प्रसादे तैयार हो रहे हैं, संगतां दूर दराडे इत्थे नतमस्तक होने वास्ते पहुँचदियां ने। उत्ते ही जो सेवादार प्रेमी ने हरिमंदर साहब आके वक् वक् सेवावां दे विच योगदान पाउंदे ने। सो ये जो महिलावां बीबियां देख रहे हो ये प्रसादे लोहां ते तैयार कर रहे हैं। और इधर पासे देखा जाए तो आटा जड़ा इन्हां नूं पहुँचता है और पेड़े करन तो बाद जो प्रसादे वेले जाते हैं फिर लोहां ते तैयार करके लंगर हाल तक संगतां तक पहुँचाए जाते हैं। सो ये उत्साह संगतां दे विच वड्डी मात्रा च देखा जा सकता है। सो किवें लगातार तेजी नाल पेड़े तैयार करके ये हुण जो संगतां ने इसनूं चकले वेलने नाल वेल के लोहां तक पहुँचाउंदे ने। सो ये जिहड़ी प्रक्रिया क्योंकि जिस तरह के नाल असीं देखिया कि एक टन के करीब रोज़ आटा इस तों भी ज़्यादा जो लंगरां विच जिसकी वरतों होंगी है। सो इस तरह तैयार होंगे है गुरु घर के प्रसादे। और ये प्रसादे ऐसे ने जो थोनों कितने भी नहीं मिलने क्योंकि गुरु घर की जो मर्यादा अनुसार ये प्रसादे तैयार होंगे है। लोहां से प्रसादे तैयार किए जा रहे हैं, वड्डियां लोहां से वड्डियां देगा से लंगर तैयार होंगे। सो संगतां तक जदों पंगत के बैठी जी संगत प्रसादा चकती है तो गुरु साहब का नाम लैके वो प्रसादा चकदियां ने। पर लंगर जिस तरीके जिस सुहिरदगी जिनी खूबसूरत तरीके निम्रता नाल ये संगतां प्रसादा तैयार कर दियां ने। वक् वक् तुहानूं असीं प्रक्रिया दसी है कि दाल वक्री बन रही है, सब्जी वक्री बन रही है, चौल और चाह दे लंगर वास्ते वक्रियां लोहां ने। सो इस वास्ते देखा जाए तो इत्थे प्रसादे तैयार किए जा रहे। पहले पंगत पाछे संगत। सो ये गुरु साहब का फरमान है कि पहला जो संगतां प्रसादा चकणगियां तो फिर जो दर्शन करदियां ने। उस तरह सचखंड श्री हरिमंदर साहब लखा की गिनती श्रद्धालु जो नतमस्तक होने वास्ते पहुँचते हैं उत्थे संगतां एकमिक हो के भावें कोई वड्डा है या छोटा है, अमीर गरीब सारे इक्को पंगत दे विच बैठ के प्रसादा चकदियां ने। और जो प्रसादा बहुत सुहिरदगी नाल और प्यार नाल निम्रता नाल तैयार हुंदा है उस तरह प्रसादे नूं वरताया जांदा है और संगतां उस प्रसादे का आनंद माणदियां ने। धन धन श्री गुरु रामदास जी के लंगर घर के जो संगतां प्रसादा छकदियां ने उस तरह संगतां उत्साह के नाल सेवा दे विच भी वड्डे पद्धर ते योगदान पाउंदियां ने। बर्तना दी सेवा हो, सब्जियां कट्टण की सेवा हो, लंगर बनाउण की सेवा हो, हर प्रकार की सेवा जो संगतां वल्लों कीती जांदी है। और दूजे पासे देखा जाए तो 400 के करीब जिहड़े SGPC के मुलाजम है लंगर घर के शिफ्टां दे नाल जो काम करते हैं सेवा करते हैं अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सो हुण ये तस्वीरां ने जिथे कि लंगर छकण तो बाद संगतां जो थले आउंदियां ने तां जूठे बर्तन संगतां कोलों लए जांदे आ। जूठे बर्तन लैण तो बाद उन्हां बर्तनां विच जो जूठ लगा हुंदा उस जूठ नूं वड्डे टब दे विच छाणिया जांदा, कढ़िया जांदा, फिर जिहड़े भांडे सर्फ नाल कढ़े जांदे ने उसनूं चंगी तरह धोता जांदा। इत्थे देख सकदे आ कि 100 के करीब इत्थे जिहड़े प्रेमी ने सेवा करदे नज़र आ रहे ने। धन धन गुरु रामदास जी दी कृपा नाल बटाले शहर तो आया, जदों गुरु साहब लै आउंदे उदों आ जांदे। इहो जिहा आनंद ते स्वर्ग च वी नहीं होणा जिहो जिहा आनंद इत्थे आउंदा। प्रक्रिया इह आ वी रूटीन वर्क वा, चैन वर्क वा, तां इन्नी सेवा हो पाउंदी आ। रूटीन दे नाल चलदा ते बर्तन जिहड़े आ रूटीन च सारे साफ हुंदे ने, गुरु साहब आप ही सेवा लैंदे आ। मैं कहा बहुत आनंद पातशाह दे घर सेवा करन रोज़ आईदा, महाराज की कृपा करके लै के आउंदे आ, सारी संगत सेवा करदी आ ते बहुत ही खुशियां प्राप्त करदी आ महाराज दे घर आ के ते बहुत ही ज़्यादा आनंद ते परिवार च चढ़दी कला मिलदी है। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
24 घंटे इस तरह ही जो लंगर है वह संगतां दे वास्ते तैयार हुंदा है और 24 घंटे लंगर संगतां छकदियां ने। 24 घंटे श्रद्धालु जो लंगर छकते हैं, 24 घंटे प्रेमी जो सेवा करते रहते हैं और 24 घंटे देखा जाए तो गुरु घर हरिमंदर साहब इत्थे संगतां दा प्रवाह चलता रहिंदा है और देशों विदेशों तक ये जो गुरु रामदास का दर है, रूहानियत का केंद्र है, इसके चर्चे ने। और लंगर की गल की जाए तो ये गुरु घर का एक नवेकला कदम है जो सदियों तो इस तरह लंगर छका आ रहा है संगत। कैमरामैन शुभम के नाल हरमीत सिंह, डेली पोस्ट, अमृतसर।